गाइस, अर्ली मॉर्निंग उठ के हम पहुंचे अपने रिसोर्ट के 360 डिग्री व्यू पॉइंट में सनराइज देखने के लिए। क्लाउडी वेदर होने की वजह से सन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही क्लाउड से बाहर आया और सब लोग रेडी खड़े थे इस व्यू को अपने कैमरा में कैच करने के लिए। ये था हमारे रिसोर्ट का 360 डिग्री व्यू लेने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म। व्यू पॉइंट जाने के स्ट्रेच में जगह जगह इस तरह बैठने का अरेंजमेंट रखा हुआ था। हल्की हल्की ठंड में हमने एंजॉय किया एक ब्यूटीफुल व्यू का अपने रूम की बालकनी से। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपने सेकेंड डे के डिफरेंट लोकेशंस के लिए। ये है खाओ खो विंडमिल वैली, ब्यूटीफुल प्लेस। आने का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऊपर नीचे कैंपिंग एरिया बना हुआ जहाँ पे लोग रात को रुकते हैं, लेकिन काफ़ी हवा चलती है यहाँ पे और ठंड भी है थोड़ी। नाइट में शायद टेम्परेचर यहाँ 18-20 डिग्री तक चला जाता है। ये है विंड मिल का नजारा। ये विंड पार्क लोकेटेड है 1050 मीटर अबव सी लेवल। छोटे छोटे स्टॉल यहाँ पे स्नैक्स पानी वगैरह का सब अरेंजमेंट है। छोटी छोटी शॉप्स टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर है 24 नंबर विंड मिल टर्बाइन्स और वहां से जनरेट होती है 60 मेगावाट ऑफ पावर। कैंपिंग एरिया ये सारा, टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आराम से लोग रात को रुक सकते हैं और बोलते हैं न्यू ईयर के टाइम पे ये सब एरिया एकदम फुल रहता है और लोगों को जगह नहीं मिलती कैंप करने के लिए।
विंडमिल पार्क में हवा खाने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। खाओखो में जगह जगह आपको मिल जाएंगे स्ट्रॉबेरी फार्म। Our next stopover was a smaller fruit, vegetable and flower garden, जो कि popular है BN Farm के नाम से। यहाँ पर होममेड आइसक्रीम खाने और थोड़ी देर फार्म में बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने आज के मेन डेस्टिनेशन की तरफ। अ विजिट टू खाओखो इज नेवर कंप्लीट विदाउट अ विजिट टू तनरक तलाईमोक रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट। Serves delicious Thai cuisine with an extraordinary view of the mountains and valley. तलाय का मतलब है सी और मॉक का मतलब है क्लाउड। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू कैन टेक योर लंच वॉचिंग सी ऑफ क्लाउड फ्रॉम दिस प्लेस। Thank you.
greatest time to visit Khao-Kho is November to Jan. That is the coolest season of Khao-Kho. Due to shortage of time, we missed 2-3 beautiful locations. One of them is Phutha Boek, which is 1768 meter above sea level and famous for ocean of cloud. दो नाइट बिताने के बाद और खूब यहाँ के व्यूज का मजा लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चियांग माई, जो यहाँ से करीब करीब 460 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए हमें एट ए स्ट्रेच लगेंगे 6 आवर्स और अगर हम रुक रुक के जाते हैं तो 6 से 8 घंटे। तो अब मिलते हैं चियांग माई में।